जिनेवा कार शो में सामाजिक कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया पर लोगों के दबाव के चलते कई बड़े कार ब्रांड्स ने अपनी गाड़ियों के साथ महिला मॉडल्स ना खड़ी करने का फैसला लिया है। जेनेवा कार शो विश्व प्रसिद्ध प्रदर्शनी है, जहां दुनिया भर की बड़ी कार कंपनियां अपनी कारों की नुमाइश करती हैं। पिछले साल यहां लगभग सभी गाड़ियों के साथ महिलाएं देखी जा सकती थीं। इन मॉडल्स में से ज्यादातर छोटे रिवीलिंग कपड़े और लंबी हील वाले जूतों में देखी जा सकती थीं, और इन्हें बूथ बेब्स कहा जाता है। सैंगयोंग नाम की कोरियाई कंपनी की गाड़ी के आगे भी चमकदार कपड़ों में ये मॉडल्स खड़ी की गई थी, पर इस साल नजारा कुछ और होगा। यहाँ स्पोर्ट्स वेयर पहने महिला और पुरुष मॉडल गाड़ियाँ प्रमोट करेंगे। दुनिया भर में चल रही मीटू मुहिम के दबाव के चलते ऐसा किया जा रहा है। टोयोटा और निसान ने भी कहा है कि वो इन मॉडल्स को हटाएंगे। टोयोटा के लग्जरी कार ब्रांड लेक्सस ने मॉडल्स पूरी तरह हटा दिए हैं। खबरों के अनुसार फिएट ने कई महिला मॉडल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर दिए हैं। मासेराटी, जीप और अल्फा रोमियो के साथ इस बार महिला और पुरुष दोनों मॉडल्स पिछले साल के मुकाबले ज्यादा कपड़ों में नजर आएंगे। नोएडा में हर साल होने वाले ऑटो एक्सपो में भी गाड़ियों के साथ खड़ी महिलाओं का नजारा काफी कुछ मिलता जुलता होता है। कई गाड़ियों के साथ एक महिला होती है जो सिर्फ मुस्कुराती है, और सूट पहने एक पुरुष जिसका काम होता है गाड़ी के बारे में जानकारी देना। स्काई मॉडल्स की तरफ से नेदरलैंड्स की एक मॉडल इक्रम ने गो न्यूज को बताया कि अक्सर लोग यहाँ गाड़ी नहीं सिर्फ उन्हें देखते हैं, उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाते हैं। ये काफी अजीब लगता है, यहाँ उनके काम की कम इज्जत की जाती है। देश भर में जेंडर इक्वालिटी और बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों का कहना है कि मॉडल्स को सजावट के लिए इस्तेमाल करना सरासर गलत है, और दर्शकों को गाड़ियों से रिझाना चाहिए न कि लड़कियों से। ऑटो एक्सपो देखने आई इशिता सूद का भी कुछ ऐसा ही मानना है। I was noticing that people were clicking more pictures with them and less with the cars, and I think that is a problem. It's extremely sexist because they don't know the qualities or the other attributes of the car, and still they are there. And I think the sales people should be there. Eye candies, exactly. They are serving as eye candies. जेनेवा में लिए इस फैसले के बाद मांग उठ रही है कि इन कार कंपनियों को भारत समेत विश्व भर में होने वाली कार प्रदर्शनियों में सजावट के लिए मॉडल्स का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। प्रदर्शनी वाहनों की होती है, मॉडल्स की नहीं। साधिका तिवारी, गो न्यूज़।